अगर आप उस चीज से गुजरते ना, तब आप उसको फील कर पाते एक बार कि मेरे किस तरह का पैन था मेरे। और ऊपर से उनकी दवाइयाँ महीने के कुल मिला के 3 से 4 हज़ार रुपये मेरे हर महीने उनकी दवाइयाँ आती थी। 6 महीने मैंने कंटिन्यू किया, 1 महीना मैंने दवाई बंद कर दी, मेरे वही कंडीशन वापस हो गई, वापस वही पैन। उसके बाद एक दिन मेरी दादी मेरे को बूटाटी लेके गई। मेरी दादी घुटनों में दर्द था तो बोले कि बूटाटी चलते, अपन वहाँ पर चतुर्नाथ जी का कोई मंदिर है तो वहाँ पर ठीक हो जाता सब कुछ। तो मैं वहाँ भी गई, मेरे भैया वगैरह गए, तो मैंने वहाँ मैंने कहा 500 रुपये प्रसाद वगैरह बोली, मैंने कहा मेरे कैसे करके ठीक कर देना, जबकि गुरुदेव मेरा सब कुछ ठीक कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक मन में अपना ऐसा रहता ना, मैं वहाँ गई, कुछ भी नहीं हुआ मेरा वहाँ जाने से, भी वगैरह वगैरह लगाना जो भी होता है। फिर वापस घर आ गई, मैंने कहा ये सब गुरुदेव से ठीक हो रहे हैं, अपने तो यूँ ही फिर रहे अभी भी। फिर मैंने गुरुदेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव आज तो मैं चली गई लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आपको ही ठीक करना है मेरे को पूरा कंप्लीट। और आप यकीन नहीं मानोगे 2022 में ऐसी कंडीशन आ गई ना, मेरे 0% भी वो पहन नहीं रहा। अपन हर चीज़ को देख के परख के लेते हैं, तो मैंने भी यहाँ विश्वास नहीं किया था। मैं डॉक्टर पे चलती रही, मैंने कहा मैं इतने डॉक्टर को दिखा दिया, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे अपने, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब रियल में मैंने पूरा समर्पित होकर गुरुदेव से हाथ जोड़ के जब प्रेयर की ना, उस दिन से और आज दिन मेरे कभी भी मैंने डॉक्टर के गई नहीं गई। यहाँ तक कि नॉर्मल जो वायरल वगैरह होता ना, उसमें भी मैंने आज तक कभी 1 ईयर हो गया मैंने एक मेडिसिन भी नहीं ली। जय गुरुदेव, मेरा नाम नीतू है, मैं अजमेर से हूँ और मैं आपको आज सिद्ध योगा के बारे में बताऊंगी कि गुरुदेव सियाग मिशन क्या है और गुरुदेव सियाग मिशन से जुड़ने से पहले मेरे जीवन में क्या था और इनके गुरुदेव सिद्ध योग से जुड़ने के बाद मेरा जीवन में क्या हुआ, मैं आपको पूरा बताऊंगी, इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। प्रॉब्लम क्या हुई कि 12th के एग्ज़ाम देने के बाद में अचानक से मेरे बॉडी में लेफ़्ट साइड में पैन स्टार्ट होने लग गया। ऊपर से यहाँ से लेके पूरा नीचे पाँव तक मेरे पैन होता था, पूरे लेफ्ट, पूरे हैंड के अंदर, पूरे पाँव के अंदर, कभी कभी इतना बढ़ जाता था कि, और पूरे टाइम बस एक मेडिसिन 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 पर टिकी हुई थी मैं बस। क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में पैन हुआ तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया जिनका नाम है के किशनानी, कला किशनानी, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है, आँख नाक कना कला गला कान इनके डॉक्टर है वो। तो उन्होंने कहा कि आपके विटामिन B12 की कमी है, तो एनीमिया, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए विटामिन B12 के। वो इंजेक्शन्स लेने के बाद थोड़ी नॉर्मल हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने देखा, तो मैं बायोलॉजी से थी, पता था कि मेरे एनीमिया नॉर्मल है, ब्लड तो RBC वगैरह सब कुछ। तो फिर मैंने और भी जगह दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए विटामिन B12 के, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने वो डॉक्टर चेंज किया और एक डॉक्टर है शैलेंद्र पांडे, ये राम भवन के यहीं रहते हैं हमारे उधर, तो मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह किया और बोले आपके विटामिन डी का टेस्ट करवाना आपको, मैंने कहा ठीक है। तब उनकी फ़ीस 500 थी जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम दिखाया, मैंने उनको दिखाया, फिर 500 उनकी फ़ीस थी, फीस भी बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी महंगे थे वो डॉक्टर। तो उन्होंने विटामिन डी का टेस्ट करवाया तो मेरे 8.15 आया था उसमें। तो उन्होंने कहा आपके बहुत कम है, तो आपको ना नॉन वेज एग वगैरह प्रोटीन डाइट आपको लेनी है और पूरा प्रॉपर आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपके विटामिन डी का लेवल बहुत कम है। तो फिर मैंने वो भी स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को फर्स्ट दिन जब मैंने नॉनवेज वगैरह किया तो मेरे को वॉमिटिंग हो गई, तो मैंने वो बंद कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर आप मेरे को दवाइयाँ मेडिसिन कुछ दे दो, मैं ले लूँगी, लेकिन नॉनवेज वगैरह मैं नहीं खाऊँगी, बाकी पनीर दूध जो भी है मैं सब लेती रही। विटामिन डी का लेवल भी काफ़ी अच्छा हो गया, 33 कुछ, तो उन्होंने कहा ठीक है अब नॉर्मल हो। तो 6 महीने तक मेरी मैंने उनसे मेडिसिन ली, उनकी फ़ीस 500 थी, फिर उसके बाद उनकी फ़ीस 800 हो गई, फिर लास्ट टाइम जब मैंने दवाई ली उनकी फ़ीस 1000 हो गई। तो उनकी थी फ़ीस 1000 और ऊपर से उनकी दवाइयाँ महीने के कुल मिला के 3 से 4 हज़ार रुपये मेरे हर महीने उनकी दवाइयाँ आती थी। 6 महीने मैंने कंटिन्यू किया, 1 महीना मैंने दवाई बंद कर दी, मेरे वही कंडीशन वापस हो गई, वापस वही पैन। पैन क्या होता था कि पूरे लेफ्ट साइड पैन होता था मेरे, पूरे आधे हिस्से के अंदर, कभी पेन केवल सिर के अंदर, कभी सिर से पूरे नेक में, नेक से हाथ में और पूरे पाँव में। तो मैं पढ़ भी नहीं पाती थी, मैं मुश्किल से 1-2 घंटे पढ़ती थी और फिर मैं पढ़ना छोड़ देती थी। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, मेरी मम्मी मेरे से पापा से छुप छुप के मेरे को दवाएं दिलाती थी, क्योंकि मेरे पापा को डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे पापा को चिढ़े डॉक्टर से। तो
बोले डॉक्टर के तो कभी नहीं जाना, बोले तो चोर होते हैं ऐसे वैसे जो भी है। तो पापा बहुत चिढ़ते थे तो मम्मी मेरे को छुट्छू की दवाई दिलाती थी। मम्मी बहुत परेशान थी मेरी इस चीज़ से। मम्मी बोले कुछ भी तू दवाइयाँ लेते रही ठीक हो जाएगी एक ना एक दिन। मैंने कहा ठीक है। फिर उनके डॉक्टर की दवाई पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे वहाँ पे, उनकी फीस 1000, ऊपर से फिर उनकी दवाइयाँ वगैरह, उनमें ड्रग्स वगैरह, वही नींद की गोले देते थे वो मेरे को। तो नींद आ जाती थी तो पेन फील नहीं होता था। दवाई ली बिल्कुल नॉर्मल दवाई, जैसे बंद की वापस वही कंडीशन मेरे साथ हो गई। फिर मैंने एक डॉक्टर है बीएस दत्ता वैशाली नगर के अंदर, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मेरी एमआरआई वगैरह करवाई। तो बोले आपके तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या है प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मेरे को मेडिसिन दे दी, बोले ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। जैसे दूसरे डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हो जाओगे तो था कि हाँ ठीक हो जाएंगे अपन। मैंने उनसे ही मेडिसिन ले ली। फिर मैंने उनसे 2-2.5 महीने मेडिसिन ली, लेकिन उनकी दवाई लेते हुए भी मेरे पेन हो रहा था, नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने कहा एक डॉक्टर और ट्राई कर लेते एक बार और कहीं अच्छा दिखा के। किसी ने मेरे को बताया कि वैशाली यहाँ पे सावित्री चौराहे के यहाँ पर है, सावित्री कॉलेज के पास में पंकज सैनी है, वो अच्छे डॉक्टर है, उनको दिखाओ। मैंने उनको भी दिखाया, ठीक है, उनकी दवाई ली वगैरह सब कुछ किया, लेकिन मेरे कुछ भी नहीं हुआ। फिर बात है 2019 की, जब मैं फर्स्ट टाइम पनोरमा इंस्टीट्यूट अजमेर में यहाँ पर मैं आई। जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई तो उसके कुछ दिन ही बाद एक कांता जी नाम से आते थे फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो मेरे पास बैठे थे। तो उनके फ़ोन में मैंने गुरुदेव की फ़ोटो देखी। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि क्या है कैसे क्या, और चारों तरफ दीवारों में मैंने फ़ोटो देखी दीवार पे। तो मैंने कुछ पूछा नहीं उस टाइम कि क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ने के लिए आई थी कि अपने को पढ़ना है, क्योंकि मेरे पापा का हमेशा रहता था कि बस पढ़ाई पढ़ाई और कुछ बनना है। तो ये चीज़ दिमाग में चलती थी बस कि हाँ पढ़ना है बस। तो मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा होंगे ये भी, जब आजकल सब कुछ चल रहा है ऐसे ही जब तो होगा, मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। फिर थोड़े ही दिन बाद सन्ने ध्यान का प्रोग्राम रखा कि आज गुरुवार ध्यानवान करवाएंगे, तो वहाँ पर रखा। तो मैंने कहा अपन वैसे बहुत परेशान चल रहे हैं, एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। सर ने बताया ऐसे होता है, ऐसी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, इतने सारे लोग आते हैं, ऐसे सब के बारे में बताया। काफ़ी सारी एक दीदी थी, उन्होंने बताया कि मेरे को माइग्रेन था और ऐसे ऐसे करने से मेरा ठीक हो गया। उनको रोते हुए देखा मैंने। तो मैंने कहा इतना रो रही ऐसे उससे कह रही कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो मैंने 2019 में फर्स्ट टाइम ध्यान किया। फर्स्ट दिन जब मैंने ध्यान किया तो इस फर्स्ट दिन ही मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुए। मैंने कहा ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, मेरा हाथ ऑटोमेटिक ऊपर की साइड गया। मैंने कहा ये ऊपर कैसे जा रहा है, मैं उसको रोक रही थी, मेरे पेन हो रहा था भयंकर हाथ में, मैं उसको रोकना चाह रही थी लेकिन वो रुका ही नहीं, हाथ पीछे जा रहा आगे जा रहा है। मैंने कहा ये हो क्या रहा, अपने आप कैसे हो रहा है, ये मेरे को विश्वास हो गया। मैंने कंटिन्यू 1 महीने तक ध्यान किया। सर ने बताया कि मंत्र जाप करना आपको, भगवान राधा और कृष्ण का ये मंत्र है, ये मंत्र जाप करना है और 2 टाइम सुबह और शाम आपको 15-15 मिनट ध्यान करना है। मैंने स्टार्ट कर दिया ध्यान करना, 1 महीने मैंने कंटिन्यू किया, मेरा मतलब 50% पेन कम हो गया। जहाँ मैं रात भर नहीं सोती थी, मेरी मम्मी मेरे कभी ऑयल लगाए कभी क्या करे करती रहती थी कि कैसे ना कैसे करके मेरा पेन कम हो जाए, ठीक है। फिर मैंने 50% कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, तो मैंने फिर ध्यान करना छोड़ दिया, ठीक है, वापस ध्यान करना छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गया, लॉकडाउन में खूब परेशान हुई, वापस ध्यान शुरू किया, सही हो गया। 2022 से ही मैंने कंटिन्यू ध्यान करना स्टार्ट किया। जब मेरी प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा ठीक हो गई तो मैंने बीच में ध्यान भी छोड़ा, लेकिन मेरी और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई उससे। ध्यान छोड़ते ही वापस वही कंडीशन आ गई। उसके बाद एक दिन मेरी दादी मेरे को बूटाटी लेके गई, मेरी दादी घुटनों में दर्द था तो बोले कि बूटाटी चलते अपन, वहाँ पे चतुर्नाथ जी का कोई मंदिर है तो वहाँ पे ठीक हो जाता सब कुछ। तो मैं वहाँ भी गई, मेरे भैया वगैरह गए, तो मैंने वहाँ मेरे को 500 रुपये प्रसाद वगैरह बोली, मैंने कहा मेरे कैसे करके ठीक कर देना, जबकि गुरुदेव मेरा सब कुछ ठीक कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक मन में अपने ऐसा रहता है ना। मैं वहाँ गई, कुछ भी नहीं हुआ मेरा वहाँ जाने से भी, वो अगर वगैरह लगाना जो भी होता है। फिर वापस घर आ गई, मैंने कहा ये सब गुरुदेव से ठीक हो रहा है, अपने तो यूँ ही फिर रहे अभी भी। फिर मैंने गुरुदेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव आज तो मैं चली गई लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको ही ठीक करना है मेरे को पूरा कंप्लीट। और आप यकीन नहीं मानोगे 2022 में ऐसी कंडीशन आ गई ना, मेरे 0% भी वो पेन नहीं रहा, जिस पेन से मैं दिन और रात हर टाइम परेशान थी, एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिकल्स में मैं खड़ी नहीं रह पाती थी पेन के कारण, इतना तेज पेन होता था मेरे पूरे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ तक कि मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। मेरी दादी मेरे को लेके किस लिए गई थी बूटाटी, ताकि मेरे को चलने वलने में सही हो जाए, उनको ऐसा था कि कुछ गलत नहीं हो जाए, मतलब इस पेन का दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। फिर मैंने 2020 में मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हो गया, मैं कंटिन्यू सुबह शाम ध्यान करती हूँ और मंत्र जप करती हूँ, गुरुदेव का जो राधा और कृष्ण का जो मंत्र है उसका जप करती हूँ।
2022 की बात है, पूरे 2022 में ध्यान करने के बाद मेरा ये पैन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जैसी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा, वो हो गया। इसीलिए मैं आपसे ना अपनी ये बात शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह से मेरा ये पैन ठीक हुआ है, कई लोग ऐसे हैं जिन उसी तरह से घूम रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के, कभी किस डॉक्टर के। मैंने आपको जिन भी डॉक्टर के नाम बताए हैं, जैसे कि BS दत्ता, वो तो अभी रहे नहीं, के कला कृष्णानी न्यूरोलॉजिस्ट है, शैलेंद्र पांडे है, पंकज सैनी है, डॉक्टर पंकज सैनी, ये सभी जो इतने भी नाम बताए हैं मैंने, इन सब की रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ मेरे पास आज भी रखी हुई है। ये चार डॉक्टर नहीं, मैंने और भी कई डॉक्टर्स को दिखाया है। मैंने जैलन में दिखाया, तो जैलन में मेरे को फिजिकल वार्ड है ना, वहाँ पे मेरे को एक्सरसाइज वगैरह करवाई, बोला आपका ठीक हो जाएगा 7 दिन तक। 7 दिन तक मैंने एक्सरसाइज वगैरह की वहाँ कंटिन्यू, लेकिन मेरे कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास में ही एक नाड़ी रोग विशेषज्ञ पूरण सिंह चौहान, वो काफ़ी अच्छे बाहर से लोगों को दिखाने के लिए आते हैं, मैं उनके पास भी गई। गुरुदेव से जुड़ने के बाद पहले मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस दिन से मैं गुरुदेव से जुड़ी और मैंने बीच में ध्यान छोड़ा, तब मेरे वापस स्टार्ट हो गया। फिर वापस जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया कंटिन्यू, आज मेरे 0% भी मेरे पैन नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं है अगर फिजिकल प्रॉब्लम हो, आपको आर्थिक, शारीरिक, जो मानसिक किसी भी तरह की कोई चिंता हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप गुरुदेव का 2 टाइम ध्यान कीजिए। गुरुदेव ने जो मंत्र बताया है उसका निरंतर जप कीजिए। ये जो कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है ध्यान करने के दौरान, कि जब भी मैंने मंत्र जप कम किया है इसका इफेक्ट पड़ा है। जितना हो सके ना उतना मंत्र जप कीजिए, मन ही मन मेंटल चैटिंग करनी है आपको, मानसिक जप करना है, जितना हो सके मन ही मन गुरुदेव का नाम, जो अपने राधा और कृष्ण का जो मंत्र दिया है उसका जप करती रहिए आप। आपको किसी भी तरह की समस्या है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद के साथ ये सब हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो, मेरे फैमिली मेंबर से किसी से ही पूछ लेना आप, समय कहते थे तो बीमारी का घर है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, कुछ लोग तो ऐसे कहते थे नाटक करती है। मैंने सबकी सुन ली, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जिसने भी जो भी कहा। मेरी सबसे ज़्यादा परेशान मेरी मम्मी थी, वो आज सबसे ज़्यादा खुश है, सब मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी गुरुदेव का धन्यवाद करती है। इसलिए मैंने आप ये चीज़ आपके पास से बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, प्लीज़ आप 2 टाइम गुरुदेव का ध्यान कीजिए, गुरुदेव का जो मंत्र है उसे सुनिए और उसे मन ही मन उसका जाप कीजिए। मेरी जो समस्या ठीक हुई ना, इसीलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप उस चीज़ से गुजरते ना तब आप उसको फील कर पाते एक बार कि मेरे किस तरह का पैन था मेरे। ये जो वाइट ड्रेस में है ये गुरुदेव है और ये दादा गुरुदेव है, ये गुरुदेव के भी गुरु है, ये गंगाई नाथ जी जो कि साक्षात शिव है। गंगाई नाथ जी को प्रणाम करके आप गुरुदेव से प्रेयर कीजिए कि गुरुदेव इनकी फ़ोटो को 2 मिनट तक देखना है आपको, और इनकी फ़ोटो को देखने के बाद आपको उनसे प्रेयर करनी है कि गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगा दीजिए। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई अहंकार नहीं, पूरा समर्पित हो जाइए इनकी तरफ, समर्पण पूरा कर दीजिए कि गुरुदेव मेरे अंदर किसी भी तरह की घृणा, छल, कपट कुछ भी नहीं है मेरे मन में, आपका तत्काल उसी टाइम ध्यान लग जाएगा आपका। अगर आपके मन में कुछ भी अगर है ना तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में अगर मेरे भी जो प्रॉब्लम आई ध्यान करने में, तो इस समस्या क्या थी, थोड़ा अहंकार कुछ भी हुआ ना तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। पूरी तरह से गुरुदेव को समर्पित हो जाइए और ध्यान कीजिए। आप किसी भी तरह की समस्या, ज़रूरी नहीं फिजिकल, पढ़ाई में मेरा मन, जब मैं 2 घंटे पढ़ती थी, 3 घंटे पढ़ती थी, अभी मैं सुबह बैठती हूँ ना, मैं शाम तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ हुआ, दिन भर पढ़ सकती हूँ मैं, 24 घंटे में पढ़ सकती हूँ, इतना मेरा गुरुदेव की वजह से, ध्यान की वजह से ही हुआ है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मेरी तरह मेरे भाई बहन जो भी इस किसी चीज़ से परेशान है, चाहे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, और भी किसी तरह की कोई शारीरिक बीमारी, कोई भी किसी तरह समस्या हो, जैसे हमारे सर बताते हैं कि किसी को एड्स, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, कई तरह की बीमारियों वाले भी आए, उनका जब ठीक हो गया, बस ये है कि सच्चे मन से आपको समर्पण पूरा करना पड़ेगा यहाँ पे, और गुरुदेव ने जो मंत्र बताया उस मंत्र का निरंतर जप करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मंत्र जप ही करना है। मैं 24 घंटे नहाते धोते उठते बैठते सिर्फ मंत्र जप करती हूँ, क्लास से निकलने के बाद ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है मंत्र। ये ऑटोमेटिक कैसे होता है कि अगर आप मंत्र जप को कंटिन्यू 1 मंथ आप करके देख लीजिए, इस मंत्र जप को अगर आप सोते उठते बैठते मंत्र जप कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ तक कि रात को सोते हुए भी नींद नहीं आ रही, मंत्र जप स्टार्ट कर दो, 1 महीने बाद ऐसा होगा कि अजप अजप हो जाएगा। अजप अजप क्या है कि ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है ये, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेरे को मंत्र जप करना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं याद करने की कि मंत्र जाप करना है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा वो। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, मैं क्लास से बाहर निकलती हूँ, मंत्र ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। घर जाके घर पहुँचती हूँ, कुछ करती हूँ,
ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। लाइब्रेरी से बाहर निकलती हूँ, पता नहीं चलता मंत्र कब शुरू हो जाता है। तो ऐसा हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बस एक महीना मंत्र जब को कंटिन्यू कीजिए, सोते नहाते उठते, आप खाना बना रहे हो, आपका कोई भी काम कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, कहीं भी बाहर आ जा रहे हो, कहीं लोग बैठे हैं आपस में बात कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो तो वहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, बस मंत्र जब को कंटिन्यू करना है। और सुबह और शाम खाली पेट 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को आपको खाली पेट ध्यान करना है। ध्यान में क्या करना है, गुरुदेव से प्रेयर करनी है और आंखें बंद करके गुरुदेव को यह याद करना है, गुरुदेव की जो फोटो है इसको यह याद करना है। और क्या प्रेयर करनी है कि गुरुदेव में आप मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगा दीजिए, आपको ऑटोमेटिक 15 मिनट में आपकी योगिक क्रिया होने लग जाएगी। जो बाहर, इसमें डिफरेंस क्या है कि बाहर जो एक्सरसाइज होती है और यहाँ जो एक्सरसाइज, इसमें डिफरेंस ये है कि बाहर जो योगा वगैरह करते हैं अपन, एक्सरसाइज ताड़ासन जितने भी आसन अपन लगाते बाहर, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक होती है, आपकी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको जिस चीज़ की आवश्यकता, उसी तरह का आपको आसन होगा। मेरे लेफ्ट साइड प्रॉब्लम थी तो मेरा पूरा लेफ्ट हिस्से में ही होता था, कभी पाँव, कभी हाथ में, कभी पूरे गर्दन के अंदर मूवमेंट, तो ये सब चीज़ें होने लग जाएगी। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, आपको वैसे ही आसन लगेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रेयर करती हूँ, अगर आप तरह को किसी भी तरह की समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिए। और अगर आपको किसी बात की विश्वास नहीं हो तो खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर होता है तो कंटिन्यू कीजिए और नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार इसे प्रैक्टिकल खुद करके देखिए। क्योंकि अपन कभी किसी की बातों पर ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, स्टार्टिंग मैंने भी सर की बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया था और नहीं करते। कॉमन सी बात है कि मानवीय प्रवृत्ति होती है, हम किसी की बातों में नहीं आते हैं, एक बार अपन हर चीज़ को देख के परख के लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ विश्वास नहीं किया था, मैं डॉक्टर पे चलती रही, मैंने कहा मैं इतने डॉक्टर को दिखा दिया, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे, अपना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब रियल में मैंने पूरा समर्पण समर्पित होकर गुरुदेव से हाथ जोड़ के जब प्रेयर की ना, उस दिन से और आज दिन मेरे कभी भी मैंने डॉक्टर के गई नहीं गई, यहाँ तक कि नॉर्मल जो वायरल वगैरह होता ना उसमें भी मैंने आज तक कभी, 1 ईयर हो गया मैंने एक मेडिसिन भी नहीं ली, जहाँ मैं पूरी मेडिसिन पे टिकी हुई थी। यहाँ तक कि सुबह उठनी है 2 गोली है, सुबह दिन में ये गोली, रात में सोने से पहले ये गोली, मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हो गया, मैंने एक मेडिसिन भी नहीं ली है। सिर दर्द क्या होता है कुछ भी नहीं पता, बस जीवन में आनंद ही आनंद और कुछ के अलावा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई, आप मेरे से कभी भी पढ़ाई करवा लो 24 घंटे, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है मेरे को। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपको किसी भी तरह की समस्या, आप गुरुदेव का ध्यान कीजिए, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर होता है तो उसे कंटिन्यू कीजिए, नहीं होता तो छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तभी करें, आप वैसे भी अगर खुश रहना चाहते हो तो एक बार इसे जरूर करके देखिए। ये गंगाई नाथ जी है, इनका मंदिर जामसर बीकानेर में। गंगाई नाथ जी के गए थे हम अभी 6-7 महीने पहले, तो वहाँ पे क्या हुआ, गंगाई नाथ जी की मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ जाके इतनी शांति मिली ना मेरे को, इतनी शांति हुआ क्या कि गंगाई नाथ जी की छोटा सा मंदिर है, वहाँ लेडीज़ को मना जाना, तो मैंने बाहर खिड़की से देखा फ़ोटो, गंगाई नाथ जी की फ़ोटो देखी मैंने, इनके आँख फोटो में मैंने आँख ऐसे आँखों में आँखें करके देखी तो मैं देख नहीं पाई इनकी आँखों में, इतना तेज, इतना प्रकाश इनकी आँखों से निकल रहा था ना, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को अपनी आँखें बंद करनी पड़ी, मेरे को इतना विश्वास हो गया ना गुरुदेव का ध्यान करने के बाद कि आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, अगर आपको रिजल्ट तो मिल, अगर रिजल्ट मिल रहा है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो बस। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुदेव को एक बार ध्यान करके देखिए। मेरे साथ जो समस्या थी ये कई लोगों के साथ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई कहीं किसी तरह की समस्या हो सकती है, एक बार आप प्लीज़ इसे कंटिन्यू करके देखिए। गुरुदेव से आपको प्रेयर करनी है हाथ जोड़ के, ये आपका ज़रूर ध्यान लगा देंगे, तत्काल लगा देंगे, बस प्रेयर मन से होनी चाहिए। जय गुरुदेव आप सभी को।